नमस्कार सभी साथीगणों को। आज इस वीडियो के अंदर आज जानेंगे सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग परीक्षा 2023 की सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की अनुमानित कटो। तो इस वीडियो के अंदर मैं 2018 की परीक्षा और 2023 की परीक्षा का कुछ कंपैरिजन करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ अनुमानित कटो जो आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर मैं बता देता हूँ। तो आप अच्छा लगे तो आप साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और आपकी क्या राय वो कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। जैसे कि आपको पता है 2018 के अंदर 84 पद थे और 2023 के अंदर 125 पद थे SST के। उसके अंदर 2018 वाली पद में 78% जो उपस्थिति रही थी और 2023 की जो परीक्षा हुई है इसके अंदर 40% उपस्थिति रही थी। उसके अंदर बात करें 2018 वाली परीक्षा के अंदर जनरल की मेरिट 293.60 गई थी, OBC की 290.84, SC की 259.20, ST की 252.44, MBC की 275.43, EWS की 200.83। इसके अंदर बात करें पेपर की तो पेपर नॉर्मली था, जो टीचरों के माध्यम से मैंने शिक्षकगणों से पूछा था और 2018 का पेपर उनको दिखाया भी था कि सर इसको एक बार आप रिवाइज करके बताइएगा कि इसके अंदर क्या रह सकता है, क्या पेपर हार्ड था या कठिन था। तो 2018 की जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते थे लोग उसके अकॉर्डिंग बात करें तो उनको नॉर्मली लग रहा था, बट अभी बार बार रिविज़न करने के कारण वो बिल्कुल ही सरल लगने लग गया है। लेकिन सरल था नहीं, उतना नॉर्मल था, मतलब ज़्यादा कठिन भी नहीं, मध्यम मान सकते हैं। और दूसरा पेपर भी वो भी मध्यम ही था उस टाइम में, नॉर्मल तो कठिन था बट अभी उस टाइम बात करें इस टाइम की तो उस हिसाब से तो कुछ कह नहीं सकते। और 2023 परीक्षा की बात करें तो उसके अंदर उपस्थिति रही थी वो 40% गई थी। उसके बाद जनरल की बात करें तो 2023 की जो परीक्षा हुई है इसके अंदर उपस्थिति भी कम रही है। साथ में बात करें तो 125 पोस्ट हैं, तो उस हिसाब से मेरिट भी देखिएगा। अभी पेपर का स्तर की बात करें तो ये भी आपका इतना, पेपर का स्तर की बात करें तो मध्यम में ही था, ज़्यादा इतना कठिन नहीं था क्योंकि जो पढ़े हुए सवाल थे वो ही ज़्यादातर पूछे थे और पीछे परीक्षा के अंदर आए हुए प्रश्न थे वो भी ज़्यादातर पूछे जा रहे थे। तो उस हिसाब से ज़्यादा दोनों ही पेपर जो थे वो मध्यम में थे, ज़्यादा कोई कठिन ज़्यादा कोई सरल नहीं कह सकते। उसके हिसाब से आप बात करें तो जनरल की कट ऑफ जो 320 के समथिंग, हो सकता है 5 नंबर कम हो जाए, हो सकता है 5 नंबर ऊपर चला जाए, 320 के समथिंग जाने की संभावना है। और OBC की जो बात करें तो इसके अंदर 314 समथिंग, SC की बात करें 295 के समथिंग, ST की बात करें तो 265 के समथिंग हो सकती है। हाँ, 10 नंबर का मैं गैप देता हूँ कि 5 नंबर कम भी जा सकते हैं, 5 नंबर ऊपर भी जा सकते हैं, एग्जैक्ट में हम भी नहीं बता सकते, कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ बताई जा रही है यहाँ पे। MBC की बात करें तो 290 का समथिंग, EWS की बात करें तो OBC से थोड़ी सी कम ही जाने की संभावना है, EWS की 312 तक। तो ये कुछ अनुमानित कट ऑफ थी। आप भी किसी एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, आप किसी कंपटीशन की अदर तैयारी कर रहे हैं जैसे रीट वगैरह की, तो रीट के लिए इम्पोर्टेंट हसली की नोट्स साइकोलॉजी के, तो वो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है रिवीजन के लिए। अभी आपके लिए 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में आप आराम से रिवीजन कर सकेंगे, 10 दिन में इतने शानदार नोट्स है। और आप MCQ निकालना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम नाम है OR जाट नाम से, उस पर भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह, इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न होते हैं वो इस टाइप की चीज़ें डाली जाती है, तो आप एक बार देखिएगा, साथ में जुड़िएगा। आपको अच्छा लगे तो रहिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। और नोट्स एक बार मेरे कहने से एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना, ORJAT.com वेबसाइट पे अवेलेबल है नोट्स। वीडियो अच्छा लगा तो साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपकी क्या राय है, ये कट ऑफ क्या लग रहा है आपको, आपने पेपर दिया, आप खुद ने पेपर का स्तर देखा है, हमने तो टीचर्स के माध्यम से पूछा है, उसके बाद खुद ने YouTube पे और Google पे सब जगह एनालिसिस करके उस हिसाब से बताया है, आपने क्या जाना है वो आप एक बार कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।